गाइज, अगर आप अपने फ़ोन पे पबजी लाइट गेम को इंस्टॉल किए हैं और आप पबजी गेम खेलना पसंद करते हैं और पबजी लाइट तो आपका फेवरेट गेम है, लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन नहीं है। आपका फ़ोन 2 GB RAM का, 1 GB RAM का, लेकिन आपके फ़ोन पे पबजी लाइट गेम जो कि हैंग करता है काफ़ी ज़्यादा, आपका फ़ोन हीट हो जाता है कुछ ही घंटों में, आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और साथ में आपकी बैटरी जितना फ़ोन गर्म होगा तो उससे कहीं हद तक ज़्यादा जो कि हमारी बैटरी की स्पीड कम हो जाती है और हमारी बैटरी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हो जाती है। तो गाइज देखो, पबजी लाइट की हैंगिंग प्रॉब्लम या पबजी लाइट आपके फ़ोन पर सपोर्ट नहीं कर, आपका फोन गर्म हो जाता है, आपका फोन हैंग करने लगता है, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चैनल पे दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सब मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सिंपली गाइस, यहाँ से आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो उस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों GFX टूल। हाँ गाइस, इस एप्लीकेशन को आपको यूज करना होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेक करके डाउनलोड कर लेना। मैंने ऑलरेडी इसे यूज किया है। ओके गाइस, मैंने इंस्टॉल किया तो मैं इसे सिंपली ओपन कर लेता हूँ और आपको फटाफट आपका समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि आपको करना क्या और क्या सेटिंग है जिसे हम अप्लाई करेंगे तो हमारा पबजी लाइट गेम हमारे फोन पे जो कि हैंग या लैग जो भी होते हैं ना इशू, मोबाइल गर्म होता है, ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो परमिशन यहाँ से अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत सारे वर्जन के डिटेल मिल रहे हैं। तो सिंपली गाइस, यहाँ से आपका जो भी वर्जन है आप उसे सेलेक्ट कर लेना। यहाँ से मैं पबजी लाइट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं पबजी लाइट को यहाँ से क्लिक करता हूँ। गाइस जैसा कि देखा कि मैंने पबजी लाइट वर्जन को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको इनमें सेटिंग करनी होगी और घबराएगी नहीं कि आपका गेम बैन हो जाएगा या ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। वैसे तो गेम बैन ही बैन है, बट यहाँ से आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। ओके, तो यहाँ से गाइस आपको करना क्या है, सबसे ऊपर आपको रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिलता है गाइस, तो आपको इसमें क्लिक करना है। ये डिफॉल्ट रहेगा तो आपको क्या करना है, आपका फोन 2 GB RAM का या 1 GB RAM का है तो आपको सबसे ऊपर वाला जो कि 768x432 जो कि दिख रहा है तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, देखिएगा मैंने यहाँ पे इस वाले पे क्लिक किया है तो आपको भी इसी वाले पे क्लिक करना है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया उसके बाद नेक्स्ट में आपको ग्राफिक का ऑप्शन मिलता है, इसमें क्लिक करें और इसमें क्लिक करने के बाद आपको स्मूथ का ऑप्शन मिलता है, आप स्मूथ में क्लिक कर रहे हैं। ओके गाइस, बैलेंस HD पे रहेगा तो आपका गेम हैंग करेगा, आपका फोन बहुत ज्यादा गर्म होगा तो आपको स्मूथ करना है। उसके बाद फिर FPS का ऑप्शन मिलता है, आप इसे डिफॉल्ट रहेगा तो इसमें क्लिक करके आपको 30 FPS को सेलेक्ट कर लेना है। ओके गाइस, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करिए, आपका गेम कभी भी हैंग नहीं होने वाला। ओके, तो यहाँ से मैंने 30 FPS को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद Anti-Aliasing का ऑप्शन मिलता है तो आप इसे डिसेबल ही रहने दें। उसके बाद रेंडरिंग क्वालिटी का ऑप्शन मिलता है, आप इसे लॉक कर देना गाइस। ओके गाइस, लॉक कर देंगे तो आपका गेम स्मूथली चलेगा और आपका फोन काफी ज्यादा गर्म होता है तो वो गर्म थोड़ा कम होगा। गाइस देखो, अगर आप अपने फोन पे गेम खेलेंगे भले आपका फोन 4 GB RAM का है, 2 GB RAM का है या 1 GB RAM का है, फोन आपका गर्म होने ही होने वाला है। बट क्या होता है कि हमारा फोन काफी ज्यादा हार्ड गर्म हो जाता है तो वो प्रॉब्लम यहाँ से काफी तक दूर हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से हम रेंडरिंग क्वालिटी का ऑप्शन मिलता है, हम इसमें गाइस सॉरी मीडियम पे नहीं करना, आपको यहाँ पे लो पे करना है। उसके बाद शेडो वगैरह आपका, अगर आपका फोन सपोर्टेड होगा तो यहाँ पे रहेगा, बट यहाँ से मैंने डिसेबल है तो डिसेबल लेने दें। उसके बाद इफेक्ट क्वालिटी का ऑप्शन मिलता है, ये आपका डिफॉल्ट होगा तो आप इसे लॉ कर सकते हैं, बट यहाँ से मेरा डिफॉल्ट है तो मैं कर देता हूँ डिफॉल्ट क्योंकि मुझे इफेक्ट नहीं चाहिए। क्योंकि गाइस देखो, अगर इस तरह के इफेक्ट भी चालू रहेंगे तो हमारे फोन पे थोड़ा लोड होगा, गेम थोड़ा लोड लेगा तो हमारा स्लो चलेगा, तो मैंने इस ऑप्शन को डिफॉल्ट रखा हुआ है। गाइस हमें गेम खेलने का एक्सपीरियंस लेना, इफेक्ट वगैरह थोड़ा बहुत ना भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, फिर उसके बाद गाइस देखो, यहाँ से इंप्रूवमेंट ऑफ और इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है, ये भी आपका डिफॉल्ट में है तो आप डिफॉल्ट पे रहने दे सकते हैं, बट यहाँ से अगर आप इन सभी को लॉ पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका गेम कितना अच्छा चल रहा है। अगर नहीं अच्छा चल रहा तो आप यहाँ से डिफॉल्ट कर देना। ओके, उसके बाद यहाँ से ग्राफिक API का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें क्लिक करें। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको OpenGL का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आपको GPU ऑटोमाइज का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें क्लिक करें, और यहाँ से अगर आपका ये इनेबल है तो आप इसे डिसेबल कर देना। इतना करने के बाद एक्सपर्ट पे क्लिक कर देना। एक्सपर्ट पे क्लिक करने के बाद रन गेम का ऑप्शन मिलता है, उसके पहले यहाँ से एक एड्स आएगा तो एड्स को आपको स्किप कर देना है। एड को स्किप करने के बाद फिर गाइस यहाँ से आपको रन गेम का ऑप्शन मिलता है, इसमें क्लिक कर देना, आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में पबजी गेम बैन है तो उसके पहले हमें अपने फोन पे VPN को कनेक्ट करना होगा, तो यहाँ से मैं आपको गेम प्ले नहीं दिखाऊंगा। लेकिन अगर जो लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं तो गाइस आपको ये पूरी सेटिंग अप्लाई कर लेनी है और रन गेम पे क्लिक कर देना और आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। आपकी गेम की क्वालिटी थोड़ी खराब दिखेगी लेकिन आपका फोन जो हैंग होता है, गर्म होता है, लैग होता है, वो 100% में 100% सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस अगर आपकी वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।